सबसे पहले मैं जो दिखा रहा हूँ, यह है बाड़ी 13 मैंगो का प्लांट है। बाड़ी 13, ये बाड़ी 13 मैंगो रेड कलर में होता है, बहुत ही अच्छा वैरायटी है बाड़ी 13। ये देखिए हेल्दी प्लांट है और इसका हाइट लगभग 3.5 फीट होंगे और ये बहुत ही अच्छा वैरायटी है बाड़ी 13 मैंगो का प्लांट है। बाड़ी 13 मैंगो बहुत ही अच्छा वैरायटी है, आप चाहे तो ले सकते हैं। कलरफुल मैंगो है, बाड़ी का जितना वैरायटी है इनमें से ये बाड़ी 13 ही कलरफुल मैंगो है, बाकी सब ग्रीन कलर का है। तो ये है बाड़ी 13 मैंगो का प्लांट है। चलिए हम दूसरा भी वैरायटी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये काड़ाबाव मैंगो का प्लांट है। काड़ाबाव मैंगो का प्लांट है। ये बहुत ही अच्छा फलता है और बहुत ही अच्छा वैरायटी है काड़ाबाव मैंगो का प्लांट है। काड़ाबाव मैंगो थोड़ा डॉकमाइ जैसा दिखने में है और एकदम सेम डॉकमाइ जैसा दिखने में है, बहुत ही स्वादिष्ट मैंगो है। ये एकदम मैच्योर होने के बाद ये येलो कलर में आ जाता है, येलो कलर हो जाता है, बहुत ही अच्छा वैरायटी है। ये है काड़ाबाव मैंगो का प्लांट है। अगर जिसको जो वैरायटी चाहिए वो व्हाट्सएप पर लिख के सेंड कीजिए या तो व्हाट्सएप पर हाई हेलो लिख के सेंड कीजिए, मेरा प्राइस लिस्ट है उसको हम दे देंगे। फिर मोर पर क्लिक करके सभी वैरायटी अलग अलग करके लिखा हुआ है, वहाँ पर देखिएगा मैंगो का वैरायटी लिखा हुआ है, उसके बाद ऑरेंज का, उसके बाद लॉन्गन का, हर तरह की वैरायटी अलग अलग करके लिखा हुआ है। आप मोर पर क्लिक करके नीचे आइएगा और स्क्रॉल करके मेरे जो जितना भी प्लांट है देख लीजिएगा। ये है काड़ाबाव मैंगो का प्लांट है। चलिए हम दूसरा भी वैरायटी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये हाइबल मैंगो का प्लांट है। थोड़ा पीछे से दिखाओ, हाइबल मैंगो का प्लांट है। ये हाइबल मैंगो का प्लांट है, देख लीजिए, और हाइबल मैंगो का प्लांट है। पूरा आप लोग को ये हाइट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ना सोचे कि ये कितना सा प्लांट है। ये 5 फीट का आराम से प्लांट है, हाइबल मैंगो का प्लांट है, राउंड शेप का मैंगो होता है और देख लीजिएगा पाम जैसा एकदम बड़ा साइज में होता है। हाइबल मैंगो है, हाइबल मैंगो ग्रीन कलर का होता है लेकिन राउंड शेप का देखने में बहुत अच्छा है, बड़ा साइज में होता है। हाइबल मैंगो का प्लांट है, जिसको जो वैरायटी चाहिए लिख के सेंड कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा भी वैरायटी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये व्हाइट वियतनाम मैंगो का प्लांट है। व्हाइट वियतनाम ऑल टाइम मैंगो का प्लांट है। बहुत ही अच्छा वैरायटी है ये व्हाइट वियतनाम ऑल टाइम मैंगो का प्लांट है। ये इसमें चिट्टिया कितना है, अरे काटता है। ये व्हाइट वियतनाम ऑल टाइम मैंगो का प्लांट है, व्हाइट वियतनाम ऑल टाइम मैंगो का प्लांट है। सभी का हम स्क्रीनशॉट दे देंगे, देख लीजिएगा। व्हाइट वियतनाम मैंगो का प्लांट है, इस साइज का प्लांट आप लोग को मिल जाएगा। चलिए हम दूसरा भी वैरायटी। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये कोकोनट मैंगो। कोकोनट मैंगो बोले तो एकदम नारियल जैसा है इसलिए इसका नाम है कोकोनट। इसका साइज अच्छा होता है, ये देखने में थोड़ा कोकोनट जैसा है। तो ये कोकोनट मैंगो, इसको अंडा मैंगो भी बोल सकते हैं, अंडे जैसा दिखने में भी थोड़ा सा है। तो ये है कोकोनट मैंगो का प्लांट है। देखिए प्लांट भी हरा भरा है, हेल्दी प्लांट है, ग्राफ्टिंग भी ओल्ड ग्राफ्टिंग है, बहुत ही अच्छा वैरायटी है। इस साल ही फलेगा ये ही नहीं सभी मेरा मैंगो का प्लांट इस साल फलेगा। ये कोकोनट मैंगो का प्लांट है, कोकोनट मैंगो का प्लांट इस साइज का प्लांट आप लोगों को मिल जाएगा, हेल्दी अच्छा प्लांट मिल जाएगा। चलिए हम दूसरा भी वैरायटी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये सीसी मैंगो का प्लांट है। सीसी मैंगो का इस साइज का प्लांट आप लोगों को मिलेगा। सीसी मैंगो बोले तो लंबा साइज में होता है, थोड़ा लंबा होता है, बनाना जैसा लंबा होता है, देखने में मस्त है, एकदम फुल रेड कलर होता है सीसी मैंगो। इसी को सब बोलते हैं 11 साई या GC, लेकिन इसका एक्चुअली नाम है सीसी मैंगो। देखिएगा हम इसको स्वाद दे देंगे और नाम लिख के भी दे देंगे। सीसी मैंगो का प्लांट है, देखने में बहुत ही खूबसूरत मैंगो है, सीसी मैंगो का प्लांट है। चलिए हम दूसरा भी वैरायटी दिखा। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं दिखा रहा हूँ यह सनकिस्ट 2 मैंगो का प्लांट है। सनकिस्ट 2 देखिए 3 ब्रांचेस वाला प्लांट आप लोग को मिल जाएगा। सनकिस्ट 2 मैंगो का प्लांट है। सनकिस्ट अच्छे मैंगो का प्लांट है। सनकिस्ट एक जूस कंपनी का नाम है। अगर आप सनकिस्ट अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मैंगो भी दिखने को मिल जाएगा और वो जूस कंपनी भी आप लोगों को मिल जाएगा दिखने में। सनकिस्ट मैंगो जूस कंपनी है ये। तो यह सनकिस्ट मैंगो का प्लांट है। चलिए हम दूसरा भी वैरायटी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं दिखा रहा हूँ यह प्योर मैंगो का प्लांट है। ये देखिए मिट्टी देख लीजिए इसका, इसमें इस साल बहुत सारा मैंगो लगा हुआ था, मैंगो हार्वेस्टिंग करके इसको कट लगा दिया था, यहाँ पर देखिए कट लगा दिया ताकि इस साल भी इसमें बहुत सारा मैंगो लगे। ये सब प्योर मैंगो का प्लांट है। इसका बाजू में दिख रहा है
ये बड़ा साइज का मैंगो है, ये है, ये भी न्यू वैरायटी है, ये भी बहुत ही अच्छा वैरायटी है, कुटियाटोर मैंगो का प्लांट है, ये कुटियाटोर मैंगो का प्लांट है, ये भी बहुत ही बड़ा है, ये वाला कुटियाटोर मैंगो का प्लांट है। और ये मेरा अभी ये साथ में जो दिख रहा है ये है कुटुरकुनाम, ये कुटुरकुनाम और ये कुटियाटोर, कुटुरकुनाम मैंगो का प्लांट है ये, तो कुटुरकुनाम कुटियाटोर दोनों का स्क्रीनशॉट दे देंगे, देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा मैंगो का वैरायटी है ये, ले सकते हैं। और यहाँ पर जो दिख रही है ये भी बहुत ही अच्छा वैरायटी है, ये है टू टाइम मैंगो का प्लांट है ये, टू टाइम मतलब इसको हम बोलते हैं दो फला मतलब इसमें दो बार फलते हैं, तो दो बार ही अच्छा फलते हैं। और ये हमारी देसी वैरायटी है, देसी वैरायटी में से एक बहुत ही अच्छा वैरायटी है, ये हमारी इंडियन वैरायटी है, दो बार फलता है इसमें, दो बार फलता है तो दो बार ही अच्छा फलता है, बहुत ही अच्छा वैरायटी है। ये मैंने आप लोगों को जो दिखाया, अभी जो दिखा रहा हूँ ये है इजिप्शियन कस्तूरी, कस्तूरी अलग है, ब्लैक स्टार अलग है, ब्लैक स्टोन अलग है, और ये है इजिप्शियन कस्तूरी, ये चारों वैरायटी अलग अलग है, ये चारों वैरायटी में से ब्लैक स्टोन जो है वो हमारे वेदर में नहीं फलता है, बाकी ब्लैक स्टार, इजिप्शियन कस्तूरी ये हमारी वेदर में अच्छा फल जाता है, तो यह इजिप्शियन कस्तूरी मैंगो का प्लांट है। चलिए हम दूसरा भी वैरायटी दिखाते, तो फिर से वीडियो में दिखा रहा हूँ, यह नूरजहान मैंगो का प्लांट है। बहुत सारा लोग ओरिजिनल नूरजहान चाहिए, तो फ्रेंड्स जो भी है मेरे पास सभी ओरिजिनल ही है, ये आँख बंद करके ले सकते हैं, ये चैलेंज करता हूँ कि आप लोग ये जो भी प्लांट लेंगे सब आँख बंद करके ले सकते हैं। ये है नूरजहान मैंगो का प्लांट है, नूरजहान मैंगो जो 3 kg 3.5 kg वजन होता है, कम से कम पहले साल ही आपको तो 1.5 kg तो जाएगा ही, ये नूरजहान मैंगो का प्लांट है। और बिग साइज का जितना भी मैंगो है उनमें से सबसे स्वादिष्ट और अच्छा मैंगो है नूरजहान एक बहुत ही अच्छा मैंगो है, जो लोगों का पास है वो लोग तो जानते हैं, अगर जिन लोगों का पास है नूरजहान मैंगो का प्लांट तो जरूर ये कमेंट कीजिएगा अगर वो लोग वीडियो दिख रहे हैं तो ये है नूरजहान मैंगो का प्लांट है। चलिए हम दूसरा भी वैरायटी दिखा, तो फिर सभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये जिंटल लॉन्ग मैंगो का प्लांट है, सबसे बड़ा वाला जो पत्ता है वो उसी को खा लिया है बकरी ने, बड़ा वाला जो पत्ता है सबसे उसी को बकरी ने खा लिया है, क्योंकि हमारी जो नर्सरी में जो रहते हैं ना वो खाली फोकट में मेरे को सब पैसा लेता है लेकिन काम अच्छे से नहीं करता है, वो पैसा बराबर ले लेता है लेकिन बकरी में खाता है भैंस में खाता है वो अच्छा नहीं दिखता है। पैसे के बारे में बोलो तो कब कितना मिलेगा, कब कितना देंगे, अब इस हफ्ते में इतना पैसा चाहिए, उस हफ्ते में उतना चाहिए, वो बराबर ले लेता है, लेकिन काम के बारे में बोलो तो बस दिन भर मोबाइल के खाली ऐसे ऐसे करके लगाते रहता है। हाँ, तो वो पैसों के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, पैसा लेना कैसे जानते हैं वो लोग, लेकिन नर्सरी का देखभाल कैसे करना है वह नहीं जानता, वो पैसा के कारण जो नर्सरी में वो नहीं दिखता है, तो ये मेरे को कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि वो कभी कभी क्या करता है नर्सरी के छोड़ के कहीं भी चला जाता है, और मैं तो नर्सरी में सभी टाइम नहीं रहता हूँ, तो जिसको भी बाहर से आना पड़ता है वो पहले भी फोन करके आइए क्या हम रहे। ये जिंटल लॉन्ग मैंगो का प्लांट है, यहाँ पर हम दिखाएंगे ये साइला रेड ऑल टाइम, इसमें हार्वेस्टिंग कर लिया सभी मैंगो, जो मैंगो था सभी हार्वेस्टिंग कर लिया। यहाँ पर एक फेवरेट वैरायटी जो हम दिखाएंगे ये है सबसे दुनिया का छोटा मैंगो होता है, ये है सानलिन मैंगो का प्लांट, ओह माशाल्लाह एकदम बहुत ही अच्छा मैंगो है, छोटा मैंगो है, दुनिया का सबसे छोटा मैंगो है, इतना दिखने में खूबसूरत है, ये खूबसूरत के लिए लगाया जाता है, ये बहुत ही अच्छा वैरायटी है, ये सानलिन मैंगो का प्लांट है, ये सभी हम बेचने के लिए रखा है ये पॉट में लगा के, क्योंकि इसीलिए हम इतना सारा प्लांट लगा के रखे हैं ये, कि जो लोग फ्रूट के साथ आके ले जाएंगे उन लोगों के लिए ये है, बहुत सारा लोग बाहर से लोग आते हैं तो वो आके ले जाता है, इसीलिए उन लोगों के लिए ये स्पेशली प्लांट हम तैयार करके रख रहे हैं, ये फ्रूट लगेगा, फ्रूट के साथ लेके जाइएगा, अगर कोई कुरियर में भी लेना चाहते हैं कुरियर में भी हम दे देंगे, लेकिन कुरियर में देने से क्या होता है थोड़ा आपका कुरियर चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि यह पॉट में मिट्टी ज़्यादा है। और यहाँ पर देख लीजिए यह एक खजूर का जैकफ्रूट का वैरायटी है, यह टू टाइम वैरायटी है,
या टू टाइम, ये भी दो बार फलता है और इसका पत्ता एकदम एकदम पूरा अलग है जितना भी जैकफ्रूट का प्लांट है। इसे इसमें थोड़ा काटा काटा जैसा पत्ता है और पत्ता एकदम राउंड शेप का होता है, देखिए एकदम राउंड राउंड जैसा होता है। ये अलग सा एक जैकफ्रूट है, ये अलग सा एक जैकफ्रूट का प्लांट है। तो ये एकदम बहुत ही अच्छा होता है, अलग अलग सा जैकफ्रूट का प्लांट है। अभी जो आपने आवाज मिला है वो भैंस का है, वो भैंस से लड़ाई थे, तो ये बहुत ही अच्छा वैरायटी है। तो ये जैकफ्रूट का प्लांट है, बहुत ही अच्छा जैकफ्रूट है ये। और यहाँ पर देखिए ये मस्त प्लांट है, ये लीची का प्लांट है, लीची का मस्त वैरायटी है ये। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये है जबोटिकबा, जबोटिकबा का दो वैरायटी है मेरे पास, स्कारलेट जबोटिकबा, रेड जबोटिकबा, दोनों वैरायटी है। और यहाँ पर देखिए एक वैरायटी है, इसका टैग खुल गया है, ये भी एक कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है, लेकिन ये अजीब अलग वैरायटी का कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है। यहाँ पर देखिए ये व्हाइट जामुन, व्हाइट जामुन का नहीं, व्हाइट नहीं, ये किंग जामुन का प्लांट है, किंग जामुन जो 10 kg बोलते हैं, 10 kg जामुन, जो ये एक एक जामुन 100 ग्राम करके वजन होता है। और यहाँ पर देखिए बीज का मिया जाती है, चक्का पत्ता का प्लांट है। यहाँ पर देखिए ये ड्रैगन, ये फला हुआ प्लांट है, इसमें फ्रूट लगा हुआ है, 2-3 साल इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पर इसमें फ्रूट आए थे, फल आए थे लेकिन झर गए, लेकिन ये बहुत ही जल्दी टिक जाएगा, ये एकदम पूरा मैच्योर है। यहाँ पर बहुत सारा मैंगो का वैरायटी आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यह सभी मैच्योर प्लांट है, ये बाड़ी 11 मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए ये एक इस तरह की कस्टर्ड एप्पल है, ये मेवा, ये अलग वैरायटी है मेवा, ये कस्टर्ड एप्पल मेवा, हम इसको हम मेवा बोलते हैं, ये अलग सा वैरायटी है। और यहाँ पर देख लीजिए ये देखिए ये स्वीट संतोल का प्लांट है, स्वीट संतोल का प्लांट है। यहाँ पर देख लीजिए कितना अच्छा प्लांट है सर, स्वीट संतोल का प्लांट है, और देखिए कितना हरा भरा प्लांट है, सभी में फ्रूट आएगा इस साल, सभी में, आप जो लोग अभी जो लोग ले रखा है उसका भी आएगा, मेरे पास भी आएगा। ये एकदम फ्रूट लगा हुआ प्लांट था, एकदम मंजर लगा हुआ था, ये स्वीट संतोल का प्लांट है। और स्वीट संतोल लगाने के बाद 6-7 साल इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन ये आप लोगों को इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर लगाइए, इसी साल आप लोगों का फ्रूट मिल जाएगा। स्वीट संतोल का प्लांट है, बहुत ही अच्छा वैरायटी है ये। यहाँ पर देखिए ये काटीमोन मैंगो का प्लांट है, काटीमोन, और एक हम आपको प्लांट दिखाएंगे, अगर किसी को चाहिए तो बताइएगा। ये प्लांट ज़्यादा नहीं है, 2 पीस ही है अभी मेरे पास, 2 पीस ही है। ये अजुआ खजूर का प्लांट है, ये जो कटिंग से बनता है, जो गोरे में जो बच्चा निकलता है ना, बच्चे को जो कटिंग करके निकलता है वो, ये टिश्यू कल्चर का भी नहीं है, सीड का भी नहीं है, बच्चा निकलता है ना साइड से, देखिएगा अजुआ खजूर से एक एक प्लांट से 7-7 बच्चा निकलता है, 7 बच्चा निकलता है उसको काट के, तो ये बहुत ही 3 साल के अंदर इसमें फलता है। ये बहुत ही महंगा है, हाँ महंगा है, लेकिन अगर कोई अगर चाहते हैं कि जल्दी हमको अजुआ खजूर का फ्रूट मिलना चाहिए तो ये बच्चा कटिंग वाला जरूर लीजिएगा, क्योंकि सीड में थोड़ा देर लगता है और ये कटिंग वाला बच्चे से बहुत अरे ये देखिए लगभग ये 2 साल का हो गया है, ये 2 साल पुराना प्लांट है, ये 2 साल का, देखिए इसमें देखिए सभी पत्ता छोड़ गया है, देखिए इसका गोरा भी तैयार हो गया है। तो ये एकदम रेडी प्लांट है अजुआ, ये अजुआ एकदम ओरिजिनल अजुआ खजूर का प्लांट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और फ्रेंड्स जो लोग जहाँ पर भी दिख रही है वो मेरे को कॉन्टेक्ट कीजिए, वीडियो पर जो नंबर दिया हुआ है उसमें आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उसमें व्हाट्सएप भी है, उसमें कॉल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा, हर तरह की वैरायटी है मेरे पास, कौन सा भी पौधा लीजिएगा मिल जाएगा। और मैं शांति से वीडियो को बातचीत करके आप लोगों को समझाया बताया, फिर भी कोई लोग अगर नहीं समझ पाया, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल करके बताइएगा, कॉल करने से अच्छा है अगर व्हाट्सएप पर अगर आप लिख के सेंड करेंगे, आप वॉइस करके लिखिए, वॉइस करके भेजिए, लिख के भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, अगर हो सके तो आप 7 बजे के समय से कॉल कर सकते हैं, तो
जिसको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए है। मैं जितना जानता हूँ आप लोगों को मैं ये टेक्निकली बुद्धि देंगे। और एक बात है कि मैं ऑल ओवर इंडिया कुरियर करता हूँ, जिसको जहाँ चाहिए जो वैरायटी घर बैठे बैठे आप लोगों को मिल जाएगा। और ऐसे आप लोग प्यार देते रहिए, मंगाते रहिए, विश्वास करते रहिए, क्योंकि हर नर्सरी एक जैसा नहीं होता है। यह मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, खुद का नर्सरी है, तो आप लोग खुद ही सोच लीजिए, मैं किसी से कोई फ्रॉडगिरी नहीं कर सकता हूँ। और मेरा सबसे यह है कि मेरा वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में, मेरा प्राइस लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पिन कोड सब कुछ होता है। तो इसलिए तो यह मेरा नाम, मेरा एड्रेस जो है वेस्ट बंगाल बीरभूम जिला। इससे और भी कुछ अगर जानना है तो मेरे गूगल मैप पर जाइएगा और वहाँ पर लिखेगा ईरान जीवन साथी नर्सरी, वहाँ पर देखिएगा पूरा चैट खुल के आएगा, मेरा लोकेशन भी आपको बता देगा। और मेरा दो ही नर्सरी मेरा गूगल मैप पर दिखाई देगा। तो वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगे होंगे। मैं नया कुछ वैरायटी आप लोगों को दिखाता हूँ, हमेशा दिखाते रहता हूँ। और माशाल्लाह मेरा कुछ ही दिन में और भी कुछ वैरायटी आने वाला है, तब हम आप लोगों को अपडेट देंगे। अभी वीडियो ऐसा इतना सा ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जल्द से जल्द मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, टेक केयर।